साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का जो है स्वागत। जैसा कि हम लोग अभी मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स चैप्टर का यह जो है छठा लेक्चर है। पिछले वीडियो में मैंने आपको जो है दो मैट्रिक्स में कैसे गुणा किया जाता है यह बताया था। एक बार फिर आपको जो याद दिला दूँ, दो मैट्रिक्स में तभी गुणा हो सकता है जब प्रथम मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर हो। तो आइए कुछ मैट्रिक्स यहाँ पर है जो एनसीईआरटी के 3.2 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको उस वीडियो में बताया था 7 फॉर्मूला, अर्थात इस आकृति को आप अपने दिमाग में रखिएगा तो गुणा करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। हम लोग को सीडी में गुणा करना है, तो किसी भी दो मैट्रिक्स में गुणा करने से पहले हम लोग को यह चेक करना होगा कि प्रथम मैट्रिक्स का कॉलम, इस मैट्रिक्स का बताइए ऑर्डर क्या है, 2x2 ऑर्डर का है। कैसे? तो प्रथम रो दूसरा रो, प्रथम कॉलम दूसरा कॉलम, अर्थात इस मैट्रिक्स में दो रो है और दो क्या है, कॉलम है। इसमें भी क्या है, दो रो है और दो कॉलम है। तो इसका अर्थ है इसका कॉलम इसके रो के क्या है, बराबर है, सेम है, तो इसका गुणा संभव है। गुना कैसे करेंगे, तो ध्यान देंगे इस आकृति यानी 7 को पहचानेंगे। सबसे पहले हम लोग को इस ओर जाना है, अर्थात रो में जाना है। तो प्रथम रो में आएंगे और प्रथम रो से प्रथम कॉलम में गुना करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, अर्थात 2 से हम गुना करेंगे यहाँ पर 1 में, प्लस फिर यहाँ गुना करेंगे 4 से -1, ठीक है। फिर प्रथम रो से दूसरा कॉलम, तो यहाँ पर 2 से दूसरा कॉलम में गुना करना है, तो 2 × 3 प्लस, ध्यान देंगे यहाँ पर, फिर 4 से 19 में प्रथम रो से प्रथम कॉलम, फिर प्रथम रो से दूसरा कॉलम, अब दूसरा रो से प्रथम कॉलम में 2 से -1 में, फिर यहां पर दूसरा रो से दूसरा कॉलम, तो आपका हो जाएगा 3 से 3 में, 2 से 19 में। अब क्या करेंगे, इसको हम इकट्ठा कर देंगे। एक बार फिर याद कीजिए, प्रथम रो से प्रथम कॉलम, प्रथम रो से दूसरा कॉलम, दूसरा रो से प्रथम कॉलम, दूसरा रो से दूसरा कॉलम। अब इसको हम क्या करेंगे, इकट्ठा कर देंगे। तो 2 में जब 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा, इसको जो है गुना, तो गुना कर लिए, तो यहाँ पर 19 से जब 4 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 76 होगा। फिर यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा बताइए, 76। अब क्या करेंगे, इसको जो हम यहाँ पर इकट्ठा कर देंगे, जो हमारा आएगा वह क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पर यह कितना होगा, -2 होगा, यह कितना होगा, तो आपका हो जाएगा, जोड़ लीजिए उसको, साधारण आप लोग जोड़ जानते हैं, कितना होगा, 82 होगा। अरे साधारण जोड़, 6 6 12 2 कैरी आया 1 7 8, यहाँ पर आइए, यह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यह जोड़ेंगे कितना होगा, 9 6 कितना होता है बताइए, 15 7 1 8। इस तरह से क्या हो गया आपका, यह सी डी जो निकल गया है, यानी आपका जो है 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स निकल गया। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बताइए क्या यह गुना संभव है या नहीं, तो इसका ऑर्डर बताइए क्या है, तो ऑर्डर है बताइए 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रो है, कॉलम कितना है, 1 कॉलम, इसमें कितना रो है, 1 रो है, और कॉलम कितना है, 3 कॉलम है। तो रूल यही कहता है कि प्रथम का कॉलम दूसरे के रो के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो गुना संभव है, बराबर नहीं होगा
तो गुना संभव नहीं। अब प्रश्न यह है कि गुना संभव है तो वह कितने ऑर्डर का होगा, तो आपको बता चुके हैं कि यह जो बचेगा यहाँ पर यानी प्रथम का रो और इसका क्या हो जाएगा कॉलम। तो आप यहीं पर वीडियो को रोकिए और सबसे पहले इसको गुना कीजिए, फिर हम गुना कर रहे हैं तो आप उसे अपना आंसर मिलाइए। गुना कीजिए, जल्दी गुना कीजिए। तो गुना कर लिए होंगे मुझे आशा है। आइए अब हमारे साथ गुना कीजिए और मैथ से खेलिए। प्रथम रो से प्रथम कॉलम में, तो यानी प्रथम रो से प्रथम कॉलम यानी वन एंड टू डू, फिर प्रथम रो से दूसरा कॉलम में, फिर प्रथम रो से तीसरा कॉलम में, फिर दूसरा रो से प्रथम कॉलम में, फिर दूसरा रो से दूसरा कॉलम में, दूसरा रो से तीसरा कॉलम में, तीसरा रो से प्रथम कॉलम में, तीसरा रो से दूसरा कॉलम में, तीसरा रो से तीसरा कॉलम में। अब हम क्या करेंगे, इसे इकट्ठा कर देंगे। तो इकट्ठा करेंगे तो कितना होगा, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, चार हो जाएगा, चार हो जाएगा, छ हो जाएगा, आठ हो जाएगा, छ हो जाएगा, नौ हो जाएगा और बारह हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्या हुआ, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। आइए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग बनाने जा रहे हैं। कह रहा है क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू इतना मैट्रिक्स दिया है, सो दैट दिखाइए कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर यह नहीं होगा आपका, हो जाएगा एफ एक्स प्लस वाई। यह हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। सर्वप्रथम इसके बारे में जानेंगे कि यह कौन सा जानवर है। तो आप लोग को रिलेशन फंक्शन में पढ़ाया गया होगा यह क्या है, फंक्शन है। नॉर्मल तौर पर हम लोग समझ सकते हैं, जैसे हम अपने आसपास घर पड़ोस पर देखे होंगे चूल्हा होता है जहाँ पर माँ जी या बहन जो भी खाना बनाते हैं, तो चूल्हा में जो जलावन डालते हैं उसे राख उत्पन्न होता है, राख निकलता है, चाहे वो किसी भी वृक्ष का जो है, किसी भी पौधा का, उसमें जलावन का प्रयोग करें। सीधे तौर पर आप चक्की वाले मिल में भी देखे होंगे, हम लोग गेहूँ डालते हैं तो गेहूँ का आटा निकलता है, चावल डालते हैं चावल का आटा निकलता है, जो उसमें हम जो कच्चे माल का इस्तेमाल करेंगे उसका जो है प्रोडक्ट निकलेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर इस एक्स के जगह पर आप कुछ भी रख सकते हैं, ईटा रखेंगे ईटा निकलेगा, पत्थर रखेंगे पत्थर निकलेगा, डेस्क रखेंगे डेस्क निकलेगा, बेंच रखेंगे बेंच निकलेगा। यहाँ पर एक्स रखेंगे तो एक्स है, वाई रखेंगे तो वाई है, जेड रखेंगे तो यहाँ पर थीटा के जगह पर क्या होगा, जेड होगा। यह जीरो नहीं चेंज होगा, केवल एक्स का मान हम लोग का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम इस क्वेश्चन को बनाने के पहले आप एफ वाई का मान निकाल दीजिए। तो एफ वाई का मान कैसे निकलेगा, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पर क्या कर लीजिए, वाई कर दीजिए, मान बदल जाएगा। यदि यहां पर जेड रहता तो ये सब क्या हो जाता है, जेड हो जाता। अब हम लोग को क्या करना है कि यहां पर जो है एलएचएस लिखना है, अर्थात एलएचएस हम लोग का क्या है, तो पहले एलएचएस के बाद हम क्वेश्चन उतारेंगे, अर्थात एफ एक्स और एफ वाई में क्या करना है, गुना करना है। अर्थात एफ एक्स के जगह पर यह मान रखेंगे और एफ वाई के जगह पर क्या रखेंगे, यह मान रखेंगे और दोनों में क्या करेंगे, गुना करेंगे। आइए तो हम लोग इसको गुना करते हैं। आपको बताया है सेवन फॉर्मूला, शुरू में ही बताया है कि सबसे पहले इसके रो से इसके कॉलम में गुना करेंगे, तो कॉस एक्स आई इंटू क्या हो जाएगा, कॉस वाई प्लस, तो यहाँ ध्यान देंगे ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स आई इंटू साइन वाई, ठीक है। आप प्लस जीरो से जीरो में कोई परेशानी, फिर फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में, तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस कॉस एक्स इंटू
साइन वाई, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ कॉस एक से इसमें गुना करेंगे, फिर माइनस साइन एक्स आइन टू साइन वाई, फिर आप गुना कीजिएगा जीरो से तो प्लस, फिर फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में, तो ध्यान देंगे जीरो से कॉस में गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और फिर इसमें करेंगे तो यह भी जीरो, इसमें गुना करेंगे तो यह भी जीरो, अर्थात यहाँ पर क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। अब सेकेंड रो से फिर जो है फर्स्ट कॉलम में, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स आइन टू कॉस वाई, फिर कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। आ जीरो से जीरो में गुना करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में, तो यह हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और जीरो से जीरो में तो प्लस जीरो, फिर इस रो से इस कॉलम में तो जीरो हो जाएगा, यह भी जीरो आई यह भी जीरो, ओके। अब आते हैं थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम में, तो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फिर यह गुना करेंगे जीरो, जीरो हो जाएगा, फिर इस रो से इस कॉलम में, तो ध्यान देंगे यह भी सब क्या हो जाएगा, जीरो, फिर इस रो से थर्ड कॉलम में, तो जीरो से जीरो, फिर जीरो, और फिर एक से एक, अर्थात हम लोग का यह क्या हो गया, गुना हो गया। अब आप जानते हैं, आप लोग को सूत्र मालूम होगा कि कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, या यह फॉर्मूला आप लोग को मालूम होगा साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी, अगर याद नहीं है तो जल्दी जो है इसको देख लीजिए अपने किताब में, और तुरंत जो है इस फॉर्मूला का उपयोग करके इसको हम बनाने का प्रयास करें। तो आप लोग फॉर्मूला देख लिए, देखे होंगे वहां पर कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यदि प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो ध्यान देंगे यहाँ पर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, अर्थात यह चला जाएगा फॉर्मूला हम लोग का कॉस एक्स आ प्लस वाई, ठीक है। यहाँ आएंगे तो यहाँ पर होता है आपका साइन ए का साइन ए इंटू कॉस बी या प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ध्यान देंगे। सॉरी, यहाँ पर जो है आपका साइन वाई नहीं, बल्कि देखिए ध्यान से क्या करना है, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में गुना करना है, तो कॉस एक्स इंटू माइनस साइन वाई आप प्लस, यहाँ ध्यान देंगे आपका जो है, सॉरी यहाँ पर ना, आपका जो है साइन एक्स इंटू कॉस वाई, यानी यहाँ पर क्या होगा कॉस वाई, ठीक है। तो यह फॉर्मूला देखिए साइन ए इंटू कॉस बी, यानी यह चला जाएगा साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला पर, यहाँ क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे, तो हम लोग का यह फॉर्मूला हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, आ यह जीरो है तो जीरो। यह फॉर्मूला देखिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, अर्थात यह चला जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई। यहाँ ध्यान देंगे साइन ए इंटू, यहाँ पर हम लोग का साइन फॉर्मूला लगेगा, देखिए जब भिन्न हो, सीधा समझिए, जब साइन और कॉस एक साथ हो तो साइन वाला फॉर्मूला, और कॉस कॉस साइन साइन हो तो कॉस वाला फॉर्मूला, नहीं यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का साइन। यहाँ देखेंगे क्या है, दोनों सेम है, तो यह चला जाएगा हम लोग का कॉस, क्योंकि माइनस है तो एक्स आप प्लस वाई, तब ना होगा कॉस ए इंटू कॉस बी, आ यहाँ प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी, जीरो है तो आपका जीरो, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, और यह क्या हो जाएगा। तो अभी हम लोग पुनः पहले वाला फंक्शन में देखे थे, यदि थीटा एक्स था तो एक्स हुआ, वाई था तो वाई हुआ, तो जब यहाँ पर एक्स प्लस वाई है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, और यही आपका क्या है आर एच एस है, जो आपका क्या हो गया रूम, इसलिए यहाँ पर नोट कीजिए। और धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए, फिर जो है यदि आपको अच्छा लगे तो
तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी पढ़ने के लिए जो है उत्प्रेरित कीजिए। धन्यवाद।